गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। सो चिल्ड्रन, आई एम योर साइंस टीचर गीता मैम, और आज हम समर वेकेशन के बाद से फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस रीस्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी मस्ती की होगी आपने समर वेकेशन में, साथ ही जो हॉलीडे होमवर्क मिला था आपने वो भी किया होगा, है ना? ओके बच्चों, तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और हम वहीं से पढ़ेंगे जहां हमने लास्ट टर्म पे क्लास ड्रॉप की थी। ओके तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, अम्ल क्षार और लबड़। इस चैप्टर से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन हॉलीडे होमवर्क के लिए दिए थे, जिसे मैंने याद करने के लिए दिया था। जैसे कि इस टाइप से मैंने एसिड और उनके स्रोत या फिर सोर्सेस बताए थे कि आपको ऐसे तालिका बनानी है, उनको याद करना है। आइए आज हम इन सबको समझते हैं। तो बच्चों, अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, ये क्या होता है? तो कोई भी चीज़ जिसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाती है। यानी जो चीज़ हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें खट्टेपन का फील हो, जैसे नींबू हो गया या खट्टा दही हो गया, तो उन सब में अम्ल होता है। लेकिन कई अम्लों को चखना बहुत खतरनाक होता है। तो बहुत सारे अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हमने टेस्ट कर लिया तो उससे हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अम्ल युक्त पदार्थ अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। तो बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, जो अम्ल के बने होते हैं, उन्हें हम अम्लीय पदार्थ कहते हैं। और बच्चों, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे अम्ल पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो वो हमारे खाना पचाने में भी हेल्प करता है। तो बहुत सारे अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे खानों में होते हैं, और ऐसे ही हमारी बॉडी में भी ये एक नेचुरल अम्ल बनता रहता है। अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं, तो इसको जानने से पहले यहाँ एक रोचक तत्व दिया है, इसे पढ़ते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में वैज्ञानिकों का मानना था कि उन्होंने जिन पदार्थों की खोज की है उन सभी का स्वाद चखना उनका कर्तव्य है, वो ऐसा मानते थे। आचार्य नहीं हैं, उनमें से कईयों की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई। तो पहले वो क्या मानते थे कि जितनी भी पदार्थ उन्हें मिलते हैं, जिनकी खोज उन्होंने की है, तो हम उन सबको चख सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन हुआ क्या, उनको चखने के बाद में बहुत सारे ऐसे थे जो कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। तो इसीलिए अम्ल बहुत सारे बहुत डेंजरस भी होते हैं। अब इनके गुण क्या क्या हैं उनको पढ़ते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, मतलब अगर हमने अम्ल को पानी में मिलाया तो वो उसमें घुल जाएगा और खाने में खट्टा फील होता है। प्रबल अम्ल त्वचा पर जलन उत्पन्न करते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा एसिड होते हैं तो हमारी स्किन पे क्या करेंगे, जलन उत्पन्न कर देंगे, उससे असहनीय पीड़ा होती है और ये मांस व हड्डी तक गला देता है। यानी ये इतने ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं कि हमारे मांस और हड्डी तक तो को गला सकते हैं, मतलब उसको क्या कर सकते हैं, सड़ा सकते हैं। सभी अम्ल नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं। अब ये क्या होता है, तो हमारे पास में अगर कोई लिटमस विलयन है, यानी एक सॉल्यूशन होता है, वो उसका कलर अगर नीले रंग का है, अगर हमने उसमें कोई अम्ल मिला दिया तो वो उसको लाल कर देता है। यानी लिटमस को, नीली लिटमस को वो लाल कर देगा। ये मिथाइल ऑरेंज विलयन के रंग को गुलाबी बना देता है। जैसे लिटमस होता है, ऐसे ही एक सॉल्यूशन होता है मिथाइल ऑरेंज का, और वो इस विलयन का रंग गुलाबी बना देगा। अगर हमने उसमें अम्ल मिलाया तो मिथाइल ऑरेंज कैसा बन जाएगा, गुलाबी। अम्ल फिनोलेथिलीन घोल पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यानी फिनोलेथिलीन घोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अम्ल अगर हमने इसमें मिला दिया तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये जैसा है इसका कलर वैसा ही रहेगा।
अम्ल यौगिक होते हैं, इनमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। यानी अम्ल कैसे हैं, यौगिक, एक से ज़्यादा इसमें तत्व मिले रहते हैं, इसीलिए ये एक यौगिक है और इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होती है। अम्ल यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है H3O पॉजिटिव, तो ये इसका सूत्र होता है और ये जलीय विलयन में यौगिक बनाते हैं। अम्ल अधिक क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण बनाते हैं एवं हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। पादप एवं जंतु द्वारा बनाए गए अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और जो पादप और जंतु द्वारा बनाए गए अम्ल होते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अब हमारे पास पौधों में मिलने वाले कुछ अम्ल दिए हैं और उनके सोर्सेस भी दिए हैं, तो पढ़ते हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल ये हमें मिलता है अंगूर से और इमली से। अगर हम अंगूर और इमली में पूछें कौन सा अम्ल होगा तो टार्ट्रिक अम्ल होगा। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल बोलते हैं, ये नींबू और संतरा में होता है। तो जो नींबू का पाउडर होता है उसे भी हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं। मेथेनोइक अम्ल ये बिच्छू का डंक में होता है। मेथेनोइक अम्ल, अगर बिच्छू का डंक काट ले किसी को तो उसका मतलब उसके अंदर मेथेनोइक अम्ल चला गया है। एस्कर्बिक अम्ल, साइट्रस फलों में विटामिन सी और काला किशमिश, ये ज़्यादातर किसमें होगा, साइट्रस फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है या फिर काले रंग के जो किशमिश होते हैं उसमें एस्कर्बिक एसिड होगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल टमाटर में और सिरका में होता है। मौलिक अम्ल सेब में होता है। तो ये तो हमारे पादप स्रोत हो गए और हमारे पौधों से मिलने वाले कुछ अम्ल हो गए। तो आई होप आपने ये सारे याद कर लिए होंगे क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो बच्चों अब आते हैं आपके होमवर्क की तरफ और आपके होमवर्क में आपको फर्स्ट क्वेश्चन बाद में करना है, पहले करना है क्वेश्चन नंबर 2 अम्लों के सामान्य गुणों की विवेचना और इसका आंसर लिखोगे। इसका आंसर में आपको ये इसके कोई भी 5 गुण लिखने हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जल में घुलनशील होते हैं और 4th, 5th, 6th और 7 ये जितने मैंने टिक लगाए हैं इसमें ये लिखना है। फर्स्ट का आंसर लिखोगे कोई भी चीज़ जिसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाता है और उसके बाद के क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, तो इतना होमवर्क आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।